विश्व प्रसिद्ध बाबा महाकाल मंदिर के नंदी हॉल गणेश मंडपम में श्रद्धालु और पुजारी सफोकेशन होने से परेशान हैं। पुजारियों ने कई बार इसकी शिकायत प्रशासनिक अधिकारियों को भी की, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। दरअसल मंदिर में लगे एसी कूलर खराब होने के कारण सफोकेशन की स्थिति बनी हुई है, जिससे महाकाल मंदिर के नंदी हॉल गणेश मंडपम में श्रद्धालुओं और पुजारियों को सफोकेशन के कारण भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि बाबा महाकाल के दरबार में दूर दूर से श्रद्धालु यहां दर्शन करने के लिए आते हैं, मगर मंदिर के सेंट्रल एसी और कूलर खराब होने से श्रद्धालुओं को घबराहट और गर्मी से रूबरू होना पड़ रहा है। पुजारियों की शिकायत के बावजूद मंदिर समिति ने कोई व्यवस्था नहीं करवाई। पंखे सब बंद पड़े हैं यहाँ, कई बार हजार बार हमने बोल दिया यहाँ पे पंखे लगाओ या कुछ भी लगाओ, एसी चालू करो, और सुनता ही नहीं। यहाँ पे कूलर भी खराब पड़ा है, यहाँ पे एसी बोल रहे हैं खराब पड़ा है। अरे खराब पड़ा तो इसको सुधारो, इसको यहाँ भड़बड़ हो रही है, पंखे कुछ इंतजाम नहीं, इतनी गर्मी लग रही है जनता को भी, हवा को भी, सबको लग रही है गर्मी, क्या करें आप। ये कब से पड़ा ये कठाला कूलर, ये कब से पड़ा कूलर कठाला हो रहा कब से, इसका ध्यान ही नहीं रख रहे। हमने इतनी बार बोल दिया इसको हटा के दूसरा पंखा लगाओ या एसी चालू करो, कुछ भी करो, हो रही नहीं चालू, तो सुनते ही नहीं, हमारी कहना ही नहीं मान रहे। थोड़ा जो उचित सेवा मिलनी चाहिए वो उचित सेवा नहीं मिल रही है, क्योंकि अभी पंखा भी बंद है, एसी बंद है, कूलर अभी समझो के जो महामारी चल रही है उसमें बहुत व्यवस्था बहुत अच्छी किया है मंदिर ने, पर जो पर ये अभी जो ये व्यवस्था अपने को चाहिए वो व्यवस्था अभी नहीं है। देखा जाए तो अधिकारियों के ध्यान नहीं देने के चलते पुजारियों और श्रद्धालुओं को सफोकेशन के कारण परेशान होना पड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, उज्जैन।